हमारा सौरमंडल 8 ग्रह एक सूरज जिसकी उत्पत्ति हुई थी आज से करीब 4.6 अरब साल पहले। इन 8 ग्रहों में से 4 गैस जायंट्स है और 4 रॉकी प्लैनेट्स। लेकिन मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ और ही पढ़ा था। हमें बताया जाता था कि हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह हैं और एक सूरज, और आप लोगों को पता ही होगा कि 9th प्लैनेट था प्लूटो, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और आखिरी प्लैनेट। परंतु साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU ने अपने 26वें जनरल असेंबली में प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौने ग्रह का दर्जा दिया। परंतु कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि प्लूटो को क्यों नष्ट किया गया था, क्या प्लूटो अब नहीं रहा, या फिर आज भी प्लूटो अस्तित्व में है। आज जानेंगे प्लूटो की कहानी को। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक, आइए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। साल 1977 में वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया था, पहले वॉयजर 2 को और उसके कुछ दिनों बाद वॉयजर 1 को लॉन्च किया गया था। और ये पहले स्पेसक्राफ्ट्स थे जिन्होंने हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को करीबी से देखने में मदद किया, और फिर इनमें लगे कैमरास को बंद करने के बाद भी आज भी ये अपना सफर जारी रखे हुए हैं। लेकिन वॉयजर मिशंस में हमसे प्लूटो छूट गया, हम प्लूटो को करीब से नहीं देख पाए थे। साल 1930 में अमेरिकन खगोलविद क्लाइड टॉम्बोग ने प्लूटो की खोज की थी, जिसे आगे चलकर हमारे सौरमंडल का 9th प्लैनेट घोषित कर दिया गया था। उस समय खगोलविद ये मानते थे कि प्लूटो आकार में मरकरी से भी बड़ा होगा, परंतु कई वैज्ञानिक इस बात पर राजी नहीं थे। प्लूटो सौरमंडल के अन्य प्लैनेट से बहुत ही अलग था। ये एक छोटा बर्फ का गोला था जिसके सतह का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट से सबसे अलग है। लगभग सारे अन्य प्लैनेट्स जिनके ऑर्बिट सर्कुलर हैं, वहीं प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीमली एलिप्टिकल यानी अंडाकार है। ये सूरज के चारों ओर 17 डिग्री के एंगल में ऑर्बिट करता है, और इसे अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में करीब 248 पृथ्वी सालों का समय लगता है। आप सोच सकते हैं कि प्लूटो का एक साल कितना बड़ा है। लेकिन प्लूटो की खोज होने से पहले ही खगोलविदों ने इसकी तस्वीरें ले ली थी, परंतु उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन ले वेरियर ने नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए। उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट में कोई चीज प्रभाव डाल रहा था, तो इसी के विश्लेषण में उन्होंने नेपच्यून की खोज कर दी थी। लेकिन नेपच्यून के ऑब्जर्वेशन के बाद खगोलविदों ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट को केवल नेपच्यून ही नहीं बल्कि उसके भी पीछे मौजूद कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है। आखिर वो क्या था? खगोलविद इसकी खोज में लग गए, और इसके बाद साल 1906 में अमेरिकन गणितज्ञ पर्सिवल लोवेल ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, द सर्च ऑफ ए पॉसिबल 9th प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने दिया प्लैनेट एक्स। साल 1915 में लोवेल के जाने बिना ही उनके सर्वे में प्लूटो की दो धुंधली तस्वीरें खींच ली गई थी, लेकिन उस समय उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कुछ कानूनी कार्यवाही के कारण लोवेल का ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन साल 1929 में इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया गया, और प्लैनेट एक्स को खोजने का जिम्मा क्लाइड टॉम्बोग को सौंपा गया। और फिर एक साल के कठिन परिश्रम के बाद 18 फरवरी 1930 को टॉम्बोग ने आखिरकार प्लूटो की खोज कर ही ली। प्लूटो अपने खोज के बाद ही लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गया, और सौरमंडल का नया सदस्य 9th प्लैनेट बन गया। लेकिन शुरुआत में प्लूटो के आकार तथा मैस की जो भी गणना की गई थी वो धीरे धीरे गलत साबित हो रहा था। शुरुआत में खगोलविदों को लगा कि प्लूटो का मैस हमारे धरती के मैस के बराबर है, परंतु जैसे जैसे इस पर ज्यादा पढ़ाई की जाने लगी हमें पता चला कि इसका वास्तविक मैस तो हमारी गणना से काफी कम था। साल 1978 में जब प्लूटो के मून सैरोन की खोज हुई, तब हम पहली बार प्लूटो के वास्तविक मैस को मापने के काबिल बने, और हमें मालूम पड़ा कि इसका मैस हमारे अर्थ के मैस की तुलना में केवल 0.2% है, और इसका आकार बहुत ही छोटा है। ये इतना छोटा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण यूरेनस के ऑर्बिट में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता था। इस वजह से लोवेल के प्लैनेट एक्स की श्रेणी से इसे हटा दिया गया। परंतु प्लूटो अब भी एक प्लैनेट था, लेकिन अब भी हमारे पास प्लूटो की क्लियर इमेजेस नहीं थी। खगोलविद काफी हद तक प्लूटो की बनावट की पढ़ाई करने में लग गए, लेकिन इसकी वास्तविक बनावट तथा जानकारियों के लिए हमें यहाँ धरती से 7.5 अरब किलोमीटर दूर ट्रैवल करके प्लूटो तक जाना था, ताकि हम इसे करीब से देख सके। लेकिन प्लूटो तक जाना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इसके लिए एकदम सटीक टाइमिंग, एंगल और स्पीड की जरूरत थी। इनमें से अगर एक भी गड़बड़ाया तो बस हम अपने मंजिल को खो देंगे। इसके बाद साल 1977 में किए गए वॉयजर मिशंस ने हमें हमारे सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को करीबी से देखने और उन्हें पढ़ने में मदद की, लेकिन प्लूटो अब भी हमसे बचा हुआ था। 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो कि प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो अपने 9 साल 5 महीने के सफर के बाद
यानी साल 2015 में प्लूटो को करीब से देखने वाला था। न्यू होराइजन बहुत ही खास तरह से बनाया गया स्पेसक्राफ्ट था और प्लूटो तक जल्दी पहुंचने के लिए इसने जुपिटर का सहारा लिया। जी हाँ, जुपिटर के फ्लाईबाई ने इस स्पेसक्राफ्ट को एक ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट प्रोवाइड किया, जिससे इसकी गति 20% और तेज हो गई और 15 जनवरी 2015 को न्यू होराइजन आखिरकार अपनी मंजिल प्लूटो तक पहुंचने में कामयाब हो गया। लेकिन प्लूटो न्यू होराइजन की आखिरी मंजिल नहीं थी, बल्कि इसे इसके बाद क्विपर बेल्ट की ओर भी जाना था। इस वजह से हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था प्लूटो की स्टडी के लिए, लेकिन फिर भी इतने कम समय में न्यू होराइजन्स ने हमें प्लूटो की लगभग काफ़ी सारी जानकारियां मुहैया कराई, जिससे हमें प्लूटो को और बेहतर से जानने में मदद मिली। परंतु क्या आप जानते हैं, न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट जो कि प्लूटो पर जाने वाली पहली स्पेसक्राफ्ट थी, इसके साथ ही प्लूटो के खोजकर्ता क्लाइड टॉम्बोग की अस्थियां भी भेजी गई थी। जी हाँ, और ये किसी भी एस्ट्रोनॉमर के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात है। वो व्यक्ति जिन्होंने साल 1930 में प्लूटो की खोज की थी, उन्हीं का कुछ अंश साल 2015 में प्लूटो तक भेजा गया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा सम्मान है उनके लिए, जिन्होंने इन सब को मुमकिन बनाया था। लेकिन साल 2005 में जब एक और नए पिंड की खोज हुई थी जो प्लूटो से भी दूर था और प्लूटो से 27% ज़्यादा मैसिव था, जिसका नाम रखा गया एरिस, इसने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को प्लैनेट के डेफिनेशन को दोबारा से डिफाइन करने पर मजबूर किया। और फिर 2006 के 26वें जनरल असेंबली में इन्होंने किसी पिंड को प्लैनेट कहलाने के लिए नए रूल्स लागू कर दिए, जो कि कुछ इस प्रकार थे। कोई भी पिंड एक प्लैनेट तभी कहलाएगा जब पहला, वो सूरज का चक्कर लगाता हो, दूसरा, उसके पास इतना मैस हो कि वो खुद को लगभग गोलाकार शेप में बनाए रख सके। ये दोनों रूल्स प्लूटो फॉलो करता है। लेकिन तीसरा, जो कि एक नया रूल था, कि प्लैनेट को अपने नेबरहुड यानी अपने ऑर्बिट के आसपास को साफ रखे, यानी इसके आसपास मौजूद पिंड या तो इसके चक्कर लगाए या फिर इसे टकराकर इसमें जुड़ जाए। यही वो तीसरी क्राइटेरिया है जिसे प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया और इस वजह से इसे एक नए श्रेणी में डाल दिया गया। अब से प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। लेकिन प्लूटो हमारे सौरमंडल का एकमात्र ड्वार्फ प्लैनेट नहीं है, बल्कि ऐसे और 4 ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो प्लूटो को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है और ना ही हम इतने काबिल हैं कि हम किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। प्लूटो को केवल एक दूसरे कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो ये थी प्लूटो की कहानी। प्लूटो को 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट घोषित करने के बाद हम 2015 में इसे करीब से देख पाए थे, लेकिन न्यू होराइजन्स का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। क्लाइड टॉम्बोग के अंश न्यू होराइजन्स के साथ साथ दूर अंतरिक्ष में आज भी सफर कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आई होप कि इस वीडियो से आपको प्लूटो के बारे में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। अगर आपने हमारे नए चैनल आई एम कौशिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।